रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आई एम योर टीचर ऑफ मैथ क्लास 5। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिट 1 रिव्यू एंड असेस 1। इसमें आज हमारे पास जो एक्सरसाइज गिवन है वो है एक्सरसाइज नंबर 11। एक्सरसाइज 11 में आपसे कहा गया है राइट एज 12 आवर्स टाइम, मतलब कि आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपने इनको 12 आवर टाइम में कन्वर्ट करना है। ओके, इसमें जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है 2300 आवर्स, मतलब ये टाइम जो है कि आपके पास 24 आवर टाइम में गिवन है। अब आपने इसको 12 आवर टाइम में कन्वर्ट करना है। आप ये दो किस्म की वॉचेस देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें जो है हमारे पास टाइम जो है वो 24 आवर्स में है और इसमें 12 आवर्स में, और जो आपका क्वेश्चन है वो है 2300 आवर्स। तो आप देख सकते हैं कि 24 आवर्स में 23 हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, 12 से पहले आ रहा है। और इसी तरह 12 आवर में जब आप 23 आवर्स को देखेंगे तो वो हमारे पास कहाँ पे आएगा, 11। अब 11 क्योंकि हमारे पास 12 से पहले है और इसी तरह 23 भी है जो 12 से पहले है, तो हम इसको 12 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सॉल्यूशन में आप देखेंगे हमारे पास है क्वेश्चन जो था वो है 2300 आवर्स। अब सब्ट्रैक्ट करना है 23 आवर्स माइनस 12 आवर्स। अब आप रफ वर्क में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है 23 आवर्स और 12 आवर्स, तो 0 में से 0 को निकाला 0, 0 में से 0 को निकाला 0, इसी तरह जब 3 में से 2 को निकाला 1, 2 में से 1 को निकाला 1, तो ये हमारे पास 12 आवर्स टाइम में क्या टाइम आएगा, 11 आवर्स ही है। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारे पास है 0054 आवर्स। अब यहाँ पे 00 जो है वो 12 को शो कर रहा है। अब सॉल्यूशन में हमने सिंपल इसको 12 में प्लस कर देना है, 0054 प्लस 12। अब जब आप इसको प्लस करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास 54 के नीचे कोई वैल्यू नहीं थी, तो हमने यहाँ पे 00 लिखा है, मतलब ये हमारे पास 12 आवर्स हो गए। आप 4 में 0 प्लस किया 4, 5 में 0 प्लस किया 5, 0 को 2 में प्लस करेंगे तो 2 एज इट इज ही आएगा और 0 को 1 में प्लस करेंगे तो 1 भी एज इट इज ही आएगा। मतलब अब 12 आवर्स टाइम में ये जो हमारे पास टाइम हो जाएगा वो क्या होगा, 1254। इसके बाद जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 12। इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है इफ़ द क्वेश्चन इज 37, द डिवाइजर इज 35 एंड द रिमाइंडर 29, व्हाट इज द डिवाइडर। मतलब कि क्वेश्चन जो है वो आपके पास 37 हो, डिवाइजर जो है वो 35 हो और रिमाइंडर 29 हो, तो आपके पास डिवाइडेंड क्या होगा। अब सॉल्यूशन अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन 37, डिवाइजर 35, रिमाइंडर 29 और डिवाइडर जो है ये अभी तक हमें मालूम नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास है डिवाइडेंड इक्वल टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अब क्वेश्चन हमारे पास 37 था, डिवाइजर 35 था और रिमाइंडर 29 था। अब सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, 37 मल्टीप्लाई 35। आप देख सकते हैं रफ वर्क में हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, 5 का टेबल 7 तक लेके गए तो 5 7 है 35, 5 लिखा 3 कैरी, 5 3 है 15, 15 में 3 प्लस किए 18। इसी तरह हमने जब अगले स्टेप में गए तो यहाँ पे क्रॉस का साइन डाला, फिर 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 7 है 21, 1 2 कैरी, 3 3 है 9, 2 प्लस किए तो 11। अब हमने इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देना है, 5 एज इट इज़ आएगा, 8 में 1 प्लस किए 9, 1 में 1 प्लस किए 2 और 1 एज इट इज़ आएगा। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 1295। ये हमने यहाँ पे लिखा, अब इसमें हमें सिंपल रिमाइंडर को प्लस कर देना है, प्लस 29। अब जब हमने इसको प्लस किया है 1295 प्लस 29, तो आप देखेंगे 9 में 5 प्लस किया 14, 14 का 4 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12, 12 का 2 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 और 1 एज इट इज़ आएगा, तो हमारे पास डिवाइडेड क्या आया, 1324। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नोट्स शुड बी प्रोवाइडेड, सो यू शुड राइट दिस नोट ऑन योर नीट कॉपी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।